नमस्कार, मैं हूं सुरेश चव्हाण के और आप देख रहे आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आज फिर एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे। आज हम आपको सवाल पूछ रहे हैं, क्या शहीदों के प्रति समाज की संवेदनाएं कम हुई है? इस विषय पर आज हमारे साथ रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कावड़िया जी। अशोक जी, आपका स्वागत है सुदर्शन के बिंदास बोल में। जी, आपका भी धन्यवाद। और इस विषय पर आज जो हम पोल करेंगे, जो हमारा आज का सवाल है, इस सवाल को हमारे हमको देने के लिए हमारे साथ एंकर है, उनके पास चलते हैं, प्रियंका के पास। प्रियंका हमारे साथ रहेंगी। प्रियंका, आप शुरू करें क्या एसएमएस को? जी सुरेश जी, आज बिंदास बोल में हमारा सवाल है कि क्या समाज शहीदों को भूल रहा है। इस सवाल के लिए हम एसएमएस की शुरुआत करते हैं 00 से। अब इस मिनट से एसएमएस शुरू हो जाएंगे, उसकी काउंटिंग होगी और राय बनेगी देश की। हम सब मिलकर जो आज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, इसके साथ जो आपकी प्रतिक्रिया आएगी, इसके आधार पर हम तय करेंगे कि आज के इस सवाल के बारे में समाज क्या कहता है। इस पूरे मसले पर डालते हैं इस पैकेज के द्वारा एक नजर। ना जाने भारतीय समाज के संवेदनशील मन को क्या हो गया है, जिस देश में बरसों बरस तक मुगल, यवन, ब्रिटिश, पुर्तगाली आदि आक्रमणकारियों ने राज किया, लेकिन हर एक आक्रमणी पर हमने विजय पा ही ली। ये केवल भारत के इतिहास में ही देखने को ही मिलता है। देखा जाए तो दुनिया के कई देश आक्रमणकारियों के शासन से मुक्ति नहीं पा पाए और अपना इतिहास ही नहीं, भूगोल भी नहीं बचा पाए। विश्वविख्यात कई संस्कृतियां खत्म कर दी गई, कई जगह पर मजबूरन भुला दी गई, तो कहीं शरणागत मानसिकता के समाज ने अपने आप को ही आक्रमणकारियों को देवदूत मानकर समर्पण कर दिया। लेकिन 1200 साल गुलामी से मुक्त कईयों की मुक्ति का मार्गदर्शक बने, कईयों को प्रेरणा देने में भी कामयाब हुए। ये सब इसलिए संभव हो कर पाए क्योंकि भारतीय समाज में त्याग और बलिदान की भावना थी। शक्तिशाली, अत्याचारी, क्रूर और आक्रमणकारी भी हमारे इस बलिदान की भावना को नहीं दबा पाए, बल्कि जब जब इसे दबाने का प्रयास किया गया, ये भावना और गहरी, मजबूत और पवित्र होकर ज्यादा मजबूती से सशक्त हुई। लेकिन हमारी ये शक्ति अब क्षीण होती दिख रही है। इसकी कमजोरी के उदाहरण रोज रोज हमारे सामने आ रहे हैं। हम स्वार्थी हो रहे हैं और स्वार्थ की सबसे खतरनाक सीमा वो होती है जो आपको मदद करने वाले के प्रेमी भी कृतज्ञ हो। ये स्वार्थ तब और ज्यादा ही खतरनाक होता है जब स्वार्थी व्यक्ति या समाज उनके लिए बलिदान करने वाले शहीदों को भी भूलता है। उनके बलिदान पर उसे दुख नहीं होता क्योंकि वो उसे नजरअंदाज करता है। दंतेवाड़ा के जंगलों में भारतीय समाज रक्षा के लिए शहीद हुए जवानों के प्रति भी हम वैसा ही रवैया अपना रहे हैं। हमारे रक्षा के लिए ये बलिदान हुए, ये हम मान ही नहीं रहे हैं तो उनके उपकार कैसे मानेंगे और उनके प्रति आदर भाव या दुख कैसे व्यक्त करेंगे? क्या ये दुख उन 76 घरों का ही है? क्यों ये पूरे राष्ट्र को दुख नहीं दिख रहा? इतने बड़े संख्या में जवान शहीद होंगे तो हम उसे गंभीर मानेंगे। क्या 76 की संख्या भी हमारे स्वार्थी मन को इतना भी नहीं हिला पाई कि देश में कहीं दुख व्यक्त किया जाए? क्यों हमने आईपीएल के सीजन को महीनों, कम से कम उस दिन के मैच को रद्द नहीं किया? क्या मैच के पहले श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी? उस दिन के पेज 3 शराब पार्टी और फटके नहीं रोके जा सकते थे? क्यों राजनीतिक नेता और पार्टी ने अपने पार्टी का ध्वज नहीं झुकाए, जो कई बार तो छोटे भैया पार्टी नेताओं के निधन पर झुकाए जाने हैं? और कहां गया वो कॉरपोरेट जगत, वो टाटा अंबानी और मित्तल, जिनकी खदानें इस आदिवासी क्षेत्रों में आबादित चलती रही? हरिद्वार के महाकुंभ में बैठे शंकराचार्य से लेकर महामंडलेश्वर तक किसी साधु संत को इस पर कुछ करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगा? और छोटी छोटी घटनाओं को संवेदनशील बनाकर पेश करने वाले मीडिया को शहीदों के बलिदान की घटना क्यों असंवेदनशील लगी? हमारे सारे समाज के रोजाना के सारे व्यवहार वैसे ही वैसे चले जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
जरा याद करो कुर्बानी गाना सुनते ही आंखों को नम करने वाले ये समाज का मन इतना सूख गया है। क्या हो गया है समाज के मन को, आज हम बिंदास बोल में हमें अपने खिलाफ बोलना है। बहुत बार हम बिंदास बोल में सरकार, प्रशासन, पाकिस्तान, पड़ोसी, दुनिया और कई समस्या पर बात करते हैं, लेकिन ये समस्या आज हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए आज बिंदास बोल में हमको अपने खिलाफ बोलने का भी धैर्य दिखाना है, सामर्थ्य दिखाना है, परिपक्वता दिखानी है। अगर हम वो दिखाने में कामयाब रहे तो शायद इस स्थिति को हम बदल पाएंगे, और अगर ये स्थिति नहीं बदली तो इतिहास से प्रेरणा लेने वाला समाज कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसका गुलाम बनना तय है। इतने 77 लोगों के बलिदान के बावजूद देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, नित्य के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आपने देखा पैकेज में कि आईपीएल की जो मैचेस चल रही है, वैसे तो ऐसे पूरी सीरीज को रोका जा सकता था, एक मैच को भी नहीं रोका गया। कम से कम अर्धनग्न वहां पर जो बार बालाएं जैसी चेयर्स गर्ल डांस कर रही है उनको तो रोका जा सकता था, उस दिन के फटाके फोड़े नहीं रोके जा सकते थे, उस दिन की शराब की पार्टी रोकी जा सकती थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा तो समाज मन पर इसका परिणाम कैसे होगा। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जी कावड़िया जी भी जुड़े हुए हैं, और इस मिनट से आपके फोन भी हम इस कार्यक्रम में लेंगे। शुरू में चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी, क्या कहेंगे इस विषय पर शुरू में आप? मेरा ऐसा मानना है कि समाज भूल नहीं रहा है। समाज यदि भूलता तो आप ये कार्यक्रम नहीं करते। आपको बधाई इस कार्यक्रम के लिए। समाज को भुलाया जा रहा है कि वो शहीदों की बात ना करे, वह सिर्फ डेवलपमेंट की बात करे, प्रगति की बात करे। कोई हमको अपना स्वाभिमान को दबाया जा रहा है, हमको स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते से खड़ा नहीं किया जा रहा है। हमको बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इसको इसका एक सपना दिखाया जा रहा है, जबकि राष्ट्र बलिदान से बनता है, स्वाभिमान से बनता है। इसीलिए पहले हमारे साहित्य में ऐसे ऐसी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, इस प्रकार के काव्य रचे जाते थे, किंतु आज उस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। समाज को इस प्रकार शिक्षित नहीं किया जाता है। हमें राजनीतिक दलों द्वारा, शासन के द्वारा इन चीज़ों को भुलाया जा रहा है कि हम अपने आत्म स्वाभिमान को भूले रहें, और यह एक षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी कि भारत भारत न रहे, इसलिए भारत को प्रयत्न पूर्वक इंडिया में कन्वर्ट किया गया। इसलिए आज भारत में दो भारत हैं, एक इंडिया है जो पश्चिम की दृष्टि से सोचता है, एक भारत है जो ग्रामीण भारत है, जो इस देश की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो स्वाभिमान को और इन चीजों को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रभक्ति को वो महत्व देता है।